अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयों दोस्तों, सब खैरियत। आज हम लोग जा रहे हैं, आज हमारा लास्ट डे है बाकू में और अज़रबैजान में इंशाल्लाह। कल हमारी वापसी है सऊदी अरब के लिए। तो आज हमने डिसाइड किया है, एक फायर टेंपल है, कल हम वहाँ नहीं जा सके थे क्योंकि टाइम शॉर्ट हो गया था। आज हम लोग अभी जा रहे हैं फायर टेंपल की, तो इंशाल्लाह आज आपको वहाँ पर घुमाएँगे। वी आर ऑन द वे टुवर्ड्स द फायर टेंपल। सी यू गाइस देयर। फायर टेम्पल, फायर टेम्पल थोड़ा सा बाकू से थोड़ा सा बाहर है, हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगे यहाँ पे पहुँचने में। ये फायर टेम्पल है। अच्छा, इसकी कुछ हिस्ट्री है। मैंने ये सुना है कि यहाँ पे आग लगी रहती है पूरा पूरा साल और उसको बुझाओ तो बुझती नहीं है। ये सुना है मैंने लोगों से, लेकिन मुझे नहीं पता। ज़िशान को इसकी हिस्ट्री पता है? ज़िशान, इधर क्या हुआ था? एक्चुअली इधर क्या हुआ था, यहाँ तकरीबन 12th सेंचुरी में यहाँ पे जो हिंदूस थे और ईरान के जो ज़ोरिस्तान के लोग थे वो यहाँ पे पूजे, यहाँ पूजा वगैरह करते थे। तो वहाँ पे एक आयर अपनी आग की पूजा करते थे असल में। तो पहले तो यहाँ पे जब नेचुरल गैस वगैरह थी तो उस टाइम तक तो आग जलती रहती थी, लेकिन जैसे जैसे कि नेचुरल गैस कम होती रही तो उन्होंने यहाँ पर पाइपलाइन एक अटैच कर दी जिसकी वजह से वो फायर जो है लिट ही रहे, यानी कि जलती रहे। तो अभी आप चल के दिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन क्या ये बात संस्कृत की यहाँ पे जो है ना आयत भी लिखी हुई है जो अपना इन लोगों का है, इन लोगों का की जो है ना अपना वर्सेस। क्या ये बात सही है कि यहाँ पे आग पूरा साल जलती है? और बात तो मैंने पूछती नहीं, मैंने तो बात यही सुना है। अब जाके देखते हैं अंदर की क्या है इसकी सही कहानी। चलो फिर आइए, जो सुना है वो मैंने आपको बता दिया, अब आगे देखते हैं क्या है। वो हमारे साथ आ रहे हैं। मैं झंडे का तस्वीर ले जाऊँ वापसी में, लेते पहले अंदर से वो कर देख लेना। ये सब यहाँ पे सब सीवेज शॉप्स हैं। Which side? This sir? Which side we have to go? Here or there? Mm-hmm. There? Yeah. खाली पड़ा हुआ नहीं कोई भी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू है। इन लोग को इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, जिस वजह से ना सबको अज़रबैजानी आती है, हमें ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ रहा है, उनको ट्रांसलेटर पे टाइप करके देना पड़ रहा है, वो लोग फिर हमें देते हैं इंग्लिश में निकाल के कि तुम टाइप करो, ट्रांसलेट करो इंग्लिश टू अज़रबैजान में। हमें लैंग्वेज के ऐसे बहुत ज़्यादा इशू रहा है। जैसे जो हमारे साथ पहले ड्राइवर थे यासिर, उसको फिर भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, जिसके साथ हम लोग शादाग गए थे, तो वो बेहतर था। उर्दू भी अच्छी है, अपना अरबी भी इसको बहुत अच्छी आती है, उसको अरबी भी अरबिक भी बहुत अच्छी आती है, जिससे हमें क्या वो रहा आई थिंक। बाहर लग के ऐसा लग रहा था कि हम लोग ही है सर, एंट्रेंस है। आई थिंक एंट्रेंस एग्जिट सेम है। टूरिस्ट होगा ना उसको 4 मिनट है, और जो लोकल है उनको 2 मिनट है। ओके, यहाँ पे अज़रबैजानी में कुछ लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। हाँ इंटेंस इधर ही सही है। ओके, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, स्टेट टूरिज्म एजेंसी ऑफ द अज़रबैजान, साक टेम्पल स्टेट हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर रिजर्व स्कोप है अज़रबैजान। चल फिर अंदर चल के हम लोग देखें क्या
क्या है इधर। टिकट फ्रॉम वेयर? कसा उधर कसा ऑफिस मैंने देखा है आते हुए। ये मैंने देखा, हमें अंदर एंटर नहीं होने दिया। यहाँ के पता लगा टिकट हमें वहाँ से लेना था, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और रहान फिर तुम अपने असल मकाम पे आगे जहाँ पूजा करते थे। 100 साल पुरानी कहानी। 12th century। अच्छा, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इसकी जो हिस्ट्री है वो 12th century से चल रही है। अभी 23rd century चल रही है। मैंने तो नेट पे जहाँ चेक किया इनकी वेबसाइट पे, इट्स चार मन्नत। अच्छा यार, हम लोग को ये पता था कि 4 मन्नत जो कि 8 रियाल का टिकट है, लेकिन यहाँ के पता लगे कि 9 मिनट टिकट का बोल रहे हैं, जस्ट 20 रियाल्स। अंदर चल के देखते हैं, या तो हमारी शक्लें देखे उन्होंने टूरिज्म देख के जाना, उन्होंने टिकट के पैसे ज़्यादा बढ़ा दी। ये एक ऐसा ऑफिस है जहाँ से हम टिकट परचेज करेंगे। ये टिकट के प्राइस रखे हुए जो इनके लोकल विजिटर्स हैं उनके 2 मन्नत है जो कि 4 रियाल है, जो फॉरनर विजिटर्स है जैसे हम हैं उनके 9 मन्नत विच इज 18 रियाल्स, और जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं उनका 1 मन्नत है 2 रियाल। तो टिकट प्राइस रखी हुई इन्होंने, बाकी इन्होंने डिसेबल पीपल लोकल विजिटर्स सारी डिटेल इन्होंने दी हुई है। तो हमने अभी टिकट खरीद लिए, अब हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स एंट्रेंस जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं हम लोग। टी शर्ट का डिज़ाइन है इनको मारी हुई है। अच्छा, ये जो सिग्नेचर, ये जो हमारे साथ ड्राइवर आया था, हमने इसको बोला भाई तुम क्या काम करते हो, तो कहता है मैं यही बोल्ट, यहाँ पे जो बोल्ट चलती है, बोल्ट यानी जैसे पाकिस्तान इंडिया में सऊदीया में करीम उबर चलती है, तो हमने इसको देख के बोला कि हमने कहा भाई तुम क्या करते हो, कहता मैं बोल्ट चलाता हूँ यानी करीम उबर। हमने बोला तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए, हंसने लग गया। ओके, तो अब ये हम इंटर हो गए हैं टेंपल के अंदर, फायर टेंपल के अंदर। ये है वो जगह, क्या मेन चीज वो है ना। नॉर्मल से एक टेंपल है ये, ये यहाँ पे आग जल रही है। ये तो कोयलों पे जल रही है, इसको बोल रहे हैं हिस्टोरिकल प्लेस है कि यानी आग बुझती नहीं है, लेकिन वैसे कोयले नज़र आ रहे हैं। हाँ मानी कुछ और लग रहा है मुझे, हो सकते हैं एंट्रेंस हो, अभी तो आए हैं तो अब चल के देखते हैं अंदर कि क्या है। इस प्लेस का नाम है इस्तिहाक टेंपल, इस्तिहाक टेंपल। तो मंदिर चल रहे हैं, तो मंदिर चल रहे हैं। यहाँ पे हमें हिंदू मंत्रों की आवाजें आ रही है अंदर।
क्या हिस्ट्री है? हाँ यार, ये हमें पहले लगा कि ये जो असली बंदे एक मिनट के लिए, 5 मिनट के हम लोग सोच रहे थे कि असली है नकली है, पर बनाए पूरे असली साइड के। अब जब करीब से टॉर्च जला के देखा तो ये पता लगा कि नकली है, और इन्होंने हिंदू मंत्र लगाए हुए थे। तो ये खतरनाक जगह बनाई हुई थी वो एक तो हिंदू मानी हिंदू बाबा ऊपर से ऐसे बिल्कुल असली बंदे लग रहे हैं। आदिशान 2-4 मिनट के लिए हम लोग सर वो हो गए कि यार असली है नकली है। बाद में जैसा सर ये देखो पुराने जाने में बहुत छोटे दरवाजे होते थे, अगर मैं इधर जाऊँगा मेरा हाथ इधर आएगा। पूरे सारे हिंदू इधर होते थे पुराने जमाने में। हिस्ट्री है पूरी यहाँ पे। אבל הסיקים לא אוכלו בשר, לכן הם גם רזים, אני תכף נראה את זה. יודעים מה זה סונדוק? אין הגורי היום מביאים בסונדוק זה ארגז. या यहाँ पे जो हिस्ट्री है ना वो एक्चुअली कोई हमारे साथ गाइड होता जिसको इंग्लिश आती थी वो हमें समझा सकता था, जैसे आप लोगों ने देखा अंदर वो बंदों को समझा रहा था। हमें समझ ही नहीं आती लोग कहते क्या है, प्रॉब्लम ये होती है। हमारे साथ जो बंदा आया है कि उसको तो इंग्लिश भी नहीं आती बिल्कुल, तो हमें कौन समझाएगा क्या है। ये ईरानी टूरिस्ट है, ईरानियन टूरिस्ट, वहाँ पे हिंदू थे यहाँ पे ईरानी है। यार ये जिनको इन्होंने बनाया हुआ है इनकी कोई तो हिस्ट्री होगी ना, ये किसी के पुतले बनाए होंगे इन्होंने, है ना। इसको हम समझाओगे कैसे? तो समझाना मुश्किल है ना, टूर गाइड करना और 4-5 मिनट क्या है, 4-5 मिनट। हाँ वो गाइड वगैरह है ना। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, वही तो प्रॉब्लम है। वो बहुत बड़ी डिटेल बता रहा, तू मुझे डिटेल बता दो बहुत बड़ी। ये देखो इनके साथ ये गाइड आया हुआ है जिस जो इनको पूरी हिस्ट्री सुना रहा है। ओके यहाँ पे इसको जंजीरों से बांधा हुआ है, इनकी भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री है यार, एग्जैक्ट पता नहीं है। यहाँ पे भाई बैठे हुए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है लाइटों के लिए। या तो ये घर है, ठीक है, या तो ये घर है या फिर ये अपना, ये तो बंदा है, उसने इसको कैद किया हुआ मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर जेल है, जेल है या समथिंग। चल ये।
माने तुझे मुझे हिस्ट्री बता दे तेरे पुराने ज़माने की यार। हाँ मैंने यहाँ पे ईंटें रखी हैं ना। ओके यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है। यार एक्चुअली हमने जहाँ जाना था वो जगह नहीं है शायद, लग रहा है ये वो नहीं है, ये टेंपल में है। हमने जो जाना तो कहीं पे हिल पे पहाड़ के ऊपर कहीं पे जो है वो ना आग लगी हुई है, ये वो नहीं है, ये टेंपल पे आ गए हम लोग यार। ये आराम कर रहे हैं या इसको कैद किया हुआ है? हाँ वही हवन में जाने वाला है ये, बड़ा ही ख़तरनाक है अगर ये असली बंदों को इन्होंने कॉपी की हुई है। और ये बंदे को लिटा, अब एक मिनट के देख के तो ऐसे लगा असली है। वही है ऐसे ही सब हर जगह यही है जिशान, ये वो जगह नहीं है यार जहाँ पे हमने जाना था। नहीं ये वो तो है, ये टेंपल में आया हम, वो अलग जगह थी वो। क्या हो गया, डर क्यों रहे हो? अच्छा भाई ये इनको बता रहा है जो अपने ऊपर से जुबान गुजरेगी समझ ही नहीं आएगी। ओके ये टेंपल की पिक्चर्स लगी हुई थी। मानिन तू ऐसे निकल के आया, मुझे डराई है शीशे के पीछे क्या कर रहा है? हेलमेट पे कुछ लिखा हुआ कहाँ पे इसके? हाँ कौन सी जबान ये अब पता नहीं उनका लिखा हुआ कुछ या क्या लिखा हुआ। छोटे छोटे दरवाजे बने हुए, मुझे लगता है दिशान किसी एक बाबा के साथ बैठ ही गया होगा। हाँ ये जगह चाहिए यार, यही जगह मैं बोल रहा हूँ देखने आए थे एक्चुअली, हम लोग ये जगह देखने आए थे। अगर ये इधर है किधर है ये नहीं पता। बर्निंग अर्थ ये किसी से ये नेचुरल आ गई ये बुझ नहीं रही लेकिन ये है किधर ये नहीं पता, इधर ही होगी मानी होगी। बर्निंग अर्थ कहाँ है चेक करना पड़ेगा किसी से। इसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे।
हिस्ट्री पूरी इस जगह की 20,000 साल पहले की। ये पूरी हिस्ट्री इस प्लेस की है ना। बस व्हाट इज द अतसला, ये लैंड ऑफ फायर का भी लिखा हुआ है मानी। 300 मिलियन ईयर्स अगो लैंड ऑफ फायर। मानी आई थिंक ऊपर भी जगह है। आ जा मानी, ये शान किधर गया? ऊपर ही जगह आया तो नहीं आगे बूथ का, उधर मुझे बैठ गया। कहाँ है तू? उसी के साथ तो नहीं बैठ गया था तू? मेरे लगता है ये बंदा पूजा करने के लिए बैठ गया होगा बुद्ध की जगह। यार ये तो खत्म हो गया। पूछते हैं वो, इसको बुलाया था। हम लोग जिस जगह को देखने आए यहाँ पे वो जगह है ही नहीं यार। ये तो ख़त्म हो गया हमारे पूरा घूमते घूमते, पूरे ही ख़त्म हो गया ये। यस हमने हमारे जिसके साथ है हमने उससे पूछा है भाई ये जगह किधर है, ये जगह तो इधर के लिए आए। Can we go? चलें? चलो भाई हमने जो जगह जाना था वो ये नहीं है, यहाँ से वो 30 किलोमीटर की दूरी पे। नहीं वो एक अलग जगह, वो अलग है। हाँ, वाला इधर आना था। तुमने इधर आना था? हाँ। तो तुम्हें पता था हम इधर आ रहे? हाँ। हमने उधर जाना था। तो वो जगह जो है 30 किलोमीटर है यहाँ से दूर, उसको पता था हम इधर आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था हम इधर आ रहे हैं। तो वेल चलो आप लोग से मिलते हैं उस जगह पे जाके, यहाँ से 30 किलोमीटर से दूर है। अब देखना है, देखते हैं टाइम, यहाँ पे हो रहा है 5:30 हो रहे हैं, 4:30 नहीं, मेरी घड़ी 1 घंटा पीछे है जद्दा के हिसाब से। तो लेट्स सी, हम लोग 30 किलोमीटर से अभी यहाँ से निकल के डिसाइड करेंगे कि हम पहुँच सकते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है हम लोग 100% जा रहे हैं उधर इंशाल्लाह। तो सी यू गाइस देयर, मा सलामा।